मनोज जी कह रहे संदीप जी तृप्ति किरण की एक पराकाष्ठा देखिए, दिल्ली दंगों के एक एक अपराधी की जमानत होती जा रही है, अभी एक दिन पहले ताहिर हुसैन की भी जमानत हो चुकी है, केवल हिंदुओं की जमानत नहीं हो रही। और ये मैं कब से कह रहा हूँ आपको ध्यान है, जब सफूड़ा जरगोर को कराया गया था तब से मैं गाली सुन रहा हूँ, मेरी बात सही हो गई, सही हो रही है। और ये जो अब छुड़वाए जा रहे हैं ये नफरत फैलाएंगे, बता रहा हूँ, ताकि हिंदू फिर डरे और इस पार्टी को वोट दे। और जिन हिंदुओं ने अपने जान माल और पड़ोसियों को बचाया उनको जेल में डाला गया, उनकी जमानत नहीं हो रही है। जमानत का विरोध सरकार ही नहीं करती, सरकार के वकील ही नहीं करते, केस कमजोर बनाते हैं। अभी ये जितने दंगाई बाहर निकलेंगे फिर वो दंगा उत्पात करेंगे, फिर हिंदुओं के पक्ष में एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। तो सबको सपूरा जरगर का जमानत का विरोध जब गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसी वक्त मेरा माथा ठनका कि ये गवर्नमेंट खेल रही है दोहरी चाल खेल रही है गुजरात दंगे की तरह। तब पता चला कि हिंदुओं को डराने के लिए इन जो कट्टरपंथी मलेच्छ जिहादी उनका उपयोग किया जाता है। अब देखो ना, जो रियाज अट्टारी कन्हैयालाल का जो गला काटा है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला ना, और आप उस पर हम आप नहीं बोल पा रहे, तो ये स्थिति है, क्या कहोगे।